वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज कोई DIY वीडियो नहीं है, कोई हैक नहीं है, कुछ नहीं है। आज के वीडियो में एक्चुअली कोई इंट्रो भी नहीं है और ये क्लीन शेव लुक के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, जब फुर्सत में बैठेंगे एक बार तब बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि टाइटल देख के आप समझ गए हो कि आई हैव गॉट क्वारंटाइंड फॉर 14 days। इट इज़ नॉट बिकॉज आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव और वट एवर, बट आई हैव कम अक्रॉस अ पर्सन जिसका कुछ सस्पिशन की वजह से है, तो आई हैव जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ ताकि इफ़ आई हैपन टू बिकम अ कैरियर तो मैं ये वायरस जो है अगर मेरे अंदर है तो वो और किसी के साथ, मेरे फैमिली में किसी के साथ शेयर ना हो। तो उसलिए मैं एक अलग जगह पे आके रह गया हूँ अब फॉर 14 days। नेक्स्ट 14 days मैं यहीं रहने वाला हूँ और कुछ करने को है नहीं, सिर्फ फ़ोन है, टुच्चा सा नेटवर्क है, वाईफाई कनेक्शन भी नहीं है, तो हार्डली चीज़ें काम कर रही हैं। जिन लोगों को नहीं पता, आई ऑल्सो वर्क। यूट्यूब फुल टाइम तो नहीं करता, इतना तो पैसे नहीं देता यूट्यूब, ना मेरे पास पैसे है। तो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और वर्क फ्रॉम होम भी थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, डिस्टेंस है, क्योंकि आपके पास वाईफाई नहीं होता। अब मुझे पता नहीं ये कब अपलोड होएगा ये वीडियो, बट मैं ट्राई करूँगा, मेरे एक दोस्त को ये वीडियो भेज के, यू नो, आई विल ट्राई एंड गिव हिम माई क्रेडेंशियल्स ऑफ माई ये यूट्यूब का अकाउंट एंड ट्राई एंड अपलोड दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एल्गोरिदम नहीं चुकना चाहिए। अब अगर किसी चीज़ को सीरियसली लिया है तो वो चीज़ हर सीरियसली करनी ही चाहिए। खैर, आई विल टॉक अबाउट, सिंस अभी हम आ ही गए हैं यहाँ पे, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस यू शुड टेक इफ़ यू हैव आइसोलेटेड योरसेल्फ फ्रॉम द पीपल। आपकी फैमिली से अगर आपने आइसोलेट कर लिया, रिगार्डलेस आप घर पे क्वारंटाइन हो या कहीं अलग जगह पे अकेले ही अगर क्वारंटाइन हो, तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। अगर आप अकेले हो तो बात अलग है, अकेले हो तो फिर क्या, खाना पीना खाओ, मज़े करो, और क्या। सिंगल पर्सन हो, बस किसी के टच में मत आओ, सबसे मिलना जुलना अवॉइड करो। वीडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स करो, गेम खेलो, व्हाट्सएप करो, काम करो, जो भी है डिस्टेंस से करो, किसी के टच में मत आओ। कंटिन्यू अपने हाथ धोते रहो, मुंह को मत छुओ, ये सारे प्रिकॉशंस तो आप जानते हो। बट अगर आप होम क्वारंटाइन हो रहे हो, एक पर्टिकुलर रूम में बंद हो रहे हो, तो आपको ये ज़्यादा ट्राई करना है कि आप आपके फैमिली मेम्बर के कांटेक्ट में आए ही ना। जैसे अमेज़ॉन और जो बाकी सारी जो कंपनीज़ हैं वो टचलेस डिलीवरी या क्या बोलते हैं उसको, बिना टच किए जो डिलीवरी कर रहे हैं सामान भी, तो उस तरह का एक अप्रोच लीजिए आप, जिसमें आप अगर खाना अगर घर से आ रहा है तो फिर खाने को आप, प्लेट को आप छुइए ना जब तक वो प्लेट वहाँ रख के आपकी फैमिली मेम्बर चली ना जाए। अपने फैमिली मेम्बर को बोलिए कि ये फ्लोर साफ़ करते रहें, खुद को सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें कॉन्स्टेंटली। अगर किसी के टच में आ रहे हैं, आपके टच में आ रहे हैं, जो प्लेटें छू रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि अगर आप घर से खाना खा रहे हो, जूस पी रहे हो, चाय पी रहे हो, वॉटेवर जो भी आपका डेली नेसेसरी जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ आपके साथ ही रहे, आपके प्लेट्स, आपकी ग्लास, वो सारी चीज़ें आप ही धो के रखो और आपके रूम में ही रखो। तो जब भी यूज़ करना रहेगा, आप प्लेट बाहर रख दो, उसमें वो डाल के चले जाएं, जस्ट लाइक हाउ इट इज़ देयर इन जेल, वो प्लेट डाल देते हैं और खा लेते हैं। वैसी सिचुएशन थोड़ा है, थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, बट ये स्ट्रगल लॉन्ग टर्म में आपके ही काम आने वाली है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप सेफ़ हो तो आपकी फैमिली सेफ़ हो जाएगी। अगर आप सेफ़ नहीं हो तो फैमिली के ऊपर ऑलरेडी टेंशन रहता है कि इतना सारा, आप देख ही रहे हो अभी क्या चल रहा है बाहर, केसेस तो राइज पे राइज होते जा रहे हैं। एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है, नॉट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, इज़ द डिसिप्लिन। दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा तक डिसिप्लिनरी एक्शन है। अगर लॉकडाउन इम्पोज किया है, कर्फ्यू इम्पोज किया है, तो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये आप भी एग्री करोगे कि हमारे इधर जो लॉकडाउन इम्पोज किया है वो सिर्फ नाम का है, क्योंकि लोगों को फुर्सत ही नहीं है, लोगों को जान की पड़ी ही नहीं है लिटरली, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया है कि इसका ग्रेविटी क्या है, ये इस चीज़ का। लोग आराम से, आज भी लोग घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अभी कल ही की बात है, कल ही नहीं एक्चुअली, उस दिन जब मैं बाहर गया था तो मैंने खुद ही देखा था कि यार, मतलब जितने लोग नॉर्मली बाहर निकलते हैं उतने ही लोग हैं। तो लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ यार इन दी एंड ऑफ द डे। अगर आप खुद घर से बाहर कंटिन्यूसली निकलते रहोगे और जब देखो तब बेफालतू का, मतलब एक एक तो है चलो पेरेंट्स हैं वो बाहर जाके लेके आ रहे हैं सामान, आप यूथ तो और गया गुजरा है इस कंट्री का टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई हेडवे नहीं है यूथ को कहाँ जाना चाहिए किसे। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 दिन पहले मैं नीचे जब गया था तब मैं सामान एक्चुअली मैं ग्रोसरी लेने के लिए ही मैं निकलता हूँ सिर्फ नीचे, और मैं किसी चीज़ के लिए नहीं जाऊँगा, या तो सब्जी हो गई, आपका जो राशन का सामान है वो हो गया, या फिर दूध, और दूध भी वो भी हफ्ते में एक बार लाना होता है जो पूरे हफ्ते का ले आ लेते हैं हम लोग। अब ऐसे टाइम पे आप ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे कि यार एक 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 बाइक पे ट्रिपल सीट लोग ऐसी गेड़ियाँ मारने के लिए निकले हुए हैं यार, मतलब कहाँ किस डिरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग यार, मतलब लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर पुलिस मारेगी तो फिर भाई किसी के चाचा विधायक निकल जाएंगे, किसी का कोई पहचान वाला निकल जाएगा तो पुलिस के भी हाथ बंधे जाएंगे। आज के डेट में मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनके फैमिली पुलिस मेंबर्स हैं, जिनके मेंबर्स एक्चुअली फैमिली मेंबर्स जिनके पुलिस में हैं, किसी के डैड हैं, किसी के चाचा है, किसी का भाई है, यार वो लोग कैसे रह रहे हैं वो देखो आज के डेट में यार। बाहर निकल रहा है आदमी, घर आने के बाद अलग बैठ के खाना खा रहा है, अलग रह रहा है, बच्चे को गोदी में नहीं लिया है यार कितने बापों ने, जिनके अभी अभी बच्चे हुए रहेंगे, या जो अभी एक अलग सिचुएशन है यार। ये ग्रेविटी समझो प्लीज़, घर पे रहो, सेफ रहो, अपनी फैमिली को सेफ रखो। एक बात याद रखो कि अगर पॉजिटिव निकला ना ब्रो, तो वो जो जब टेस्ट करने के लिए वो नाक में चीज़ डालेंगे, मुंह में जब चीज़ डालेंगे यहाँ तक जाएगा, जब ब्रेथलेसनेस होना शुरू होएगा, तो उसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स पे जो बीतेगी ना यार, आप वो इमेजिन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वो 5 मिनट का मज़ा दिख रहा है। आपको आज भी लॉकडाउन में भी आपको फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। बहुत लोग हैं ऐसे, मतलब इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी द एफर्ट दैट गवर्नमेंट और बोलते हैं ना, जो कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो सारे फेल हो रहे हैं। एंड इन द एंड ऑफ द डे एक स्टेट पे ऐसा नाम आ जाता है कि यार तुम्हारे स्टेट पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं है, और लोगों को डिसिप्लिन में लाओ तो कोई किसी का कोई इन्फ्लुएंस निकल जाता है, बड़े इधर जगह पे है, वहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मतलब आप समझो प्लीज़, घर पे रहो, सेफ रहो, आइसोलेट किया है खुद को तो वहाँ पे रहो, अकेले रहो, किसी चीज़ को छुओ मत, अगर छू रहे हो तो साफ कर दो, कंटिन्यूसली खुद को सैनिटाइज करते रहो, फैमिली से दूर रहो, फैमिली को छुओ मत, आज 14 दिन के लिए मत छुओ। और अगर 4-5 दिन में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, देखो इनिशियल सिम्टम्स तो आपके वही हैं कि ब्रेथलेसनेस होएगा, कफ होएगा, फीवर टाइप लगेगा, बट अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, डरने की कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। इम्यून सिस्टम विल टेक ओवर योर बॉडी एंड इट विल इरेडिकेट द वायरस। बट अगर सीवियर हो जाता है तो प्लीज़ गेट मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। दिस वुड बी माई रिक्वेस्ट एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यार सब्सक्राइब करो या लाइक कर दो, बट अगर कोई आइसोलेटेड है और अगर कोई बाहर निकल रहा है तो प्लीज़ यार घर में बैठो, ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो। कंट्री क्या, वर्ल्ड इज़ इन पैंडमिक यार, इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं और तुमको तुम्हारे मज़े की पड़ी है 5-10 मिनट के, मत करो यार प्लीज़।